वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो स्वागत है आपका आपके इस चैनल मैनेजमेंट मंत्रा पर गाइस, जहां पर हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं एनटीयू यूजीसी नेट 2022 के लिए, और जो कि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है जून में, जहां तक इसके चांसेस हैं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी हमारे पास है अराउंड 6 मंथ, और इस 6 मंथ में हमको पूरा सिलेबस कम्प्लीट करना है कोड नंबर 17 और कोड नंबर 1 के लिए। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते जाएंगे। तो गाइस, टॉपिक है नाफ्टा। नाफ्टा को लेकर आज यहाँ पर आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग दी नाफ्टा, जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आप यहाँ पर क्लासेस का नंबर देख ही रहे हैं, तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इससे जुड़े हुए टॉपिक मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिनकी डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको देखिएगा, उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग दी इंटरनेशनल बिजनेस। एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फॉर अपकमिंग लाइव क्लासेस के लिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं नाफ्टा। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है इसका फुल फॉर्म क्या है। सो गाइस, नाफ्टा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये आपको याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना ही रखना है। तो गाइस, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसकी बात की जा रही है, ये होता क्या है और क्यों इसे लॉन्च किया गया और कौन कौन मेंबर्स इसमें मौजूद हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। तो नाफ्टा का फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा और द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। सबसे पहले यूएसए और कनाडा ने 1988 में साइन किया था एक एग्रीमेंट जो कि फ्री ट्रेड के था। लाइक वहां पर इजीली वो लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके लिए इसे किया गया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको नाम दिया गया। इसके साथ इसमें इस एग्रीमेंट को और ज्यादा बड़ा बना दिया गया जब इसके साथ जुड़ गया मैक्सिको। तो 1994 में मैक्सिको भी इनके साथ जुड़ चुका था। तो नाउ करंट में अगर देखा जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है वो 1994 से आपका स्टार्ट हो चुका था। तो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको, ये तीनों ही यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस नाफ्टा के साथ में। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको, ये तीनों जुड़े हुए हैं यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ में, है ना। और जो स्टार्टिंग हो चुकी थी इसकी, इन तीनों की एक साथ जो स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी हुई थी 1994 में। तो ये क्यों किया गया है? तो एलिमिनेट ऑल द ट्रैफिक, सॉरी ऑल द टैरिफ ऑन द प्रोडक्ट, जो भी इन तीनों कंट्रीज के बीच में प्रोडक्ट का मूवमेंट हो रहा है, जो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उनमें जितनी भी टैरिफ लग रहा है, उस टैरिफ को एलिमिनेट करने के लिए, या फिर एंड द अदर बैरियर्स टू सर्विस द इन्वेस्टमेंट कैपिटल विद इन द नॉर्थ अमेरिका, जितने भी इनके जो नॉर्थ अमेरिका में जितने भी अदर बैरियर्स हैं जो कि इनके इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं, उन सबको दूर करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लागू भी किया गया था। तो अगर एरियाज देखा जाए कि कौन कौन से एरियाज में ये आपका वर्क कर रहा है, तो मार्केट के एक्सेस को ये इजी गोइंग बनाता है, ट्रेड के रूल्स के लिए यहाँ पर इसको यूज किया जा रहा है, सर्विसेज के लिए इसे यूज किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए इसे यूज किया जा रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये बेसिक 6 एरियाज हैं जिसमें नाफ्टा आपका वर्क कर रहा है, मार्केट एक्सेस, ट्रेड रूल, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज वेल एज द डिस्प्यूट सेटलमेंट, इन सभी में नाफ्टा आपका वर्क कर रहा है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द थ्री कंट्रीज जिसने इस नाफ्टा में जो इन्वॉल्व है, या नाफ्टा के एग्रीमेंट को जिन्होंने साइन किया हुआ है, उसके बारे में आपको पता जरूर रहना चाहिए, दैट इज यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, राइट। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन, कि जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा, एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट है जिसने कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको के बीच में, उसके लिए यह रूल्स बनाए गए हैं, ये हम समझ ही चुके हैं अभी तक, और जिसमें हम टैरिफ या फिर नॉन टैरिफ जितने भी बैरियर्स हैं उनको हमें दूर करना है। एस्टैब्लिशमेंट 1994, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था, मेंबर्स कौन कौन से हैं, कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट। इतनी बार दोबारा से वही चीज बता रही हूँ जिससे आप लोगों को याद हो जाए।
आप लोगों को ये चीज याद हो जाए इसलिए दोबारा से इस चीज को रिपीट करा रही हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर है इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश, ओके याद रखिएगा। नाउ सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट यानी कि एक तरह से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मैक्सिको सिटी, ओटावा, वॉशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है यहाँ पर, यानी कि इसके सेक्रेटरिएट है। एंड नाफ्टा के जो सप्लीमेंट्स है वो कौन कौन है, तो सप्लीमेंट्स है इसके नेक यानी कि नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंट कॉर्पोरेशन एंड नाल यानी कि आपका नॉर्थ अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन लेबर कॉर्पोरेशन, ये दोनों इसके सप्लीमेंट्स हैं जो नाफ्टा में ही इंक्लूडेड है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नाफ्टा के रिगार्डिंग आपको याद रखने हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसके मेंबर्स, इसका सेक्रेटरिएट, ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, ये जरूर की जरूर आप लोग बिल्कुल चार बार भी पढ़ोगे ना तो इजीली याद हो जाएगा कि क्या है ये। क्लियर? नाउ आ जाओ इसके की कॉन्सेप्ट की क्या है इसका बेसिक फंडा। तो नाफ्टा जो है वो फ्री ट्रेड एरिया नॉर्थ अमेरिका और उसके मेंबर नेशंस में देना चाहता था, इसलिए इसे क्रिएट किया गया। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि जितनी भी मेंबर्स कंट्रीज वहां पर हैं उनके बीच में अगर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर अगर भेजा जा रहा है तो वहां पर किसी भी तरह का उन्हें कोई टैरिफ या फिर टैरिफ जो है वो पे ना करना पड़े, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। तो टैरिफ क्या होता है, एक तरह का टैक्स होता है जो कंट्री को पे करना पड़ता है गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए, तो वो इनको ना भरना पड़े इसलिए थोड़ा सा मान लीजिए इतना जो प्रोडक्ट है उसमें तो उसकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी ना, तो प्रोडक्ट जो है वो और महंगा होकर दूसरी कंट्री में जाएगा, तो इसलिए ये एग्रीमेंट बनाया कि भाई किसी तरह से ये टैरिफ जो है वो अगर रिड्यूस हो जाएगा तो हम उतनी ही अमाउंट में बेचेंगे जिस अमाउंट में हम अपनी कंट्री में बेचते हैं, इसके चलते यहाँ पर इसे किया गया। और साथ ही साथ फ्री ट्रेड एलिमिनेट, फ्री ट्रेड इसलिए बोला गया है कि फ्री हो जाए क्योंकि टैरिफ ड्यूटीज हट जाएंगी तो फ्री हो जाएगा ये, तो फ्री हो गया, बैरियर्स हट गए, तो उसकी वजह से गुड्स जो है या सर्विसेज जो है वो जो इनका जो बॉर्डर है उस बॉर्डर में ये इजीली जो है वो डेवलप कर पाएंगे और इजीली ये वर्कआउट कर पाएंगे, ये इनका मेन फंडा था। एंड व्हाट इज नाफ्टा डू, नाफ्टा क्या करता है, ऑल्दो अभी तक हम इतना कुछ पढ़े हैं तो समझ में आ ही चुका होगा, फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको, ये प्रोवाइड कराता है कॉम्पिटिशन फ्री ट्रेड एरियाज के लिए, इंक्रीज कराता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेंबर कंट्री, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज है उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ये इंक्रीज करा रहा है, ये प्रोटेक्ट करता है प्रॉपर्टी राइट्स को, प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ पीपल, बिजनेस एंड कम्युनिटीज, जैसा हमने बताया अभी तरह कि जो ये किन किन एरियाज में वर्क कर रहा है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी ये वर्क करता है, तो उनको प्रोटेक्शन के लिए भी ये हेल्पफुल है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो भी मेंबर्स कंट्रीज है उनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करने का काम भी इसी का ही है, और ये इनकरेज कराता है कॉर्पोरेशन बिटवीन दी मेंबर कंट्रीज, जो भी मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में ये कॉर्पोरेशन जो है मतलब एक सद्भावना क्रिएट हो सके, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हो सके, उस चीज को ये इंक्रीज कराता है। तो ये है हमारा नाफ्टा, ठीक है, तो ये नाफ्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है ना, इसमें बिल्कुल भी आप चूक ना कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। तो दिस इज ऑल अबाउट नाफ्टा गाइज, दिस इज द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओके गाइज, तो ध्यान से देखिएगा इसको, अच्छे से पढ़िएगा, और फुल फॉर्म मेंबर कंट्रीज जरूर याद रखिएगा और की कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू सो मच एंड ज्वाइन द टेलीग्राम गाइज, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोज और लाइव लेक्चर्स आप लोगों के लिए मौजूद हैं जो आप मेरे चैनल पर ले सकते हैं, और करंट इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।